वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आइटम्स कॉर्नर। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत 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 खुश भी हूँ। पूछो क्यों, पूछो पूछो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। बिकॉज आज है 25th of February और 19 February को मैंने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी और इसलिए मैंने बताया नहीं, और थोड़ी तबीयत भी डामाडोल चल रही थी मेरी इस वजह से भी। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अभी रात का डिनर के लिए रोटी बन गई है और जीरा राइस बना है, और ये आ गया है हमारा पार्सल। इसमें है क्या, इसमें मंचूरियन, इसमें सरप्राइज है। वैसे तो मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं आपको भी बता देती हूँ और साथ में अपने हस्बैंड को भी बता देती हूँ आज क्या सरप्राइज है। आज पहले इसको हटाओ। आज YouTube की तरफ से मुझे मेल आया है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट इन 365 डेज एंड 4000 वॉच आवर कंप्लीट। तो अभी मोनेटाइज हमको करना है, तो आपको रात को काम है। तो आज की कल करना है नहीं, आज रात को 12 बजे बाबू सो जाएगा तो आराम से हम लोग दोनों बैठ के अब पूरे पैसे मेरे अकाउंट में, वो देखा जाएगा। अभी मोनेटाइज हुआ नहीं, पेमेंट मिली नहीं, पूरे पैसे मेरे अकाउंट में। ओके, तो यही मुझे न्यूज़ भी देना था आपको कि हमारा मेरा जो चैनल है जिसमें हम तीनों आपको दिखाई देते हैं, वो यूट्यूब की तरफ से मेल आ चुका है और मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो आज रात को 12 बजे, मतलब आज 25 है तो 12 बजे 26 हो जाएगा, तो अप्लाई कर देंगे। तो वही मैं वीडियोस देख रही थी क्या क्या रहता है, कैसे करते हैं। फिलहाल अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से निकाल लेती हूँ क्या लाए हैं खाने के लिए, और भूख भी बहुत तेज़ से लग रही है। और अभी ये कितने बजे आए हैं आप देख सकते हो, 10 बज रहे हैं, 10 बजे वो घर घुस रहे हैं। तो फटाफट से पहले खा लेते हैं, फिर रात को हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर जो ब्लॉग रहेगा वो सुबह तक कंटिन्यू रहेगा, और कल छुट्टी भी है बिकॉज कल है सैटरडे, तो सैटरडे संडे बाबू की स्कूल की छुट्टी रहती है। तो चलिए फिलहाल मैं खाना निकाल लेती हूँ, बाबू मुझे धक्का दे रहे हैं। तो मुझे लगा था ये मंचूरियन या फिर सोया चिली होगा, लेकिन लाए हैं चिकन। हाँ कल पानी आएगा, तो लाए हैं चिकन। तो सच में आज पार्टी हो गई हमारी यूट्यूब के मेल की खुशी में पार्टी हो रही है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख तो अच्छा रहा है। और 100 रुपये का 5 पीस, 20 रुपये करके पर पीस पड़ा है। चल रहा है डिनर आज सच में हमारी पार्टी हो गई नहीं, मेल के चक्कर में पार्टी हो गई है हमारी। तो आज रात को बैठ के कर लेंगे ना प्रोसेस। अरे ये क्लिप तो जाएगी, अरे ये बनियान में भी अच्छी लग रही है माचो मैन। और इधर बाबू मोबाइल दे के खा रहा है। तो फटाफट से मैं डिनर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर नाइट को, जैसे भी होगा तो आपको पता चले जाएगा। तो अभी हो रहा है 12:30 और अभी हम लोग बैठे हैं मोनेटाइजेशन का अप्लाई करने, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा भाव खा रहे हैं बिकॉज़ मैं बोली थोड़ा सा आप भी बैठ जाओ, तो इनका अलग ही चल रहा है। करोगे कि नहीं, चालू तो करो तो। क्या चालू करो, ब्लॉगिंग तो चालू है मेरी। अरे वो कनेक्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल हम लोग कर लेते हैं अपनी मोनेटाइजेशन का जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरा। इसके बाद फिर मैं बताती हूँ कैसा क्या रहा और क्या क्या करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे भी इतना आइडिया है नहीं, तो यूट्यूब वीडियोस देख देख के हम भी कर रहे हैं। क्या है, आ जाओ माचो, अपना बॉडी दिखा दो, आओ आओ ना, इंडिया वांट्स टू सी। भाग गए। तो ऑलराइट, मैं पहले ये जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके हे गाइस, तो अभी हो चुका है मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी ये पी रहे हैं चाय, यस। और मेरा हो चुका है चाय पीना, एंड
कल रात को मैं सोई थी 2:30 बजे, बिकॉज वैसे ये हो चुका था, 1:30 बजे तक कंप्लीट हो चुका था जो भी प्रोसेस था, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं नींद उड़ गई है, जब से ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मोनेटाइज हो जाए तब से नींद उड़ गई है। ये तो अच्छे से सोए, ये क्या मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल चालू था और ये खर्राटे ले रहे थे, मैं इनको उठाई कि सो जाओ तब ये सोए। और यहाँ पे मेरा कितना बड़ा पिंपल हो गया, क्या आप फेस वॉश ला के दिए हो मुझे कि ऐसा पिंपल निकल रहा है। मत लगाओ। तो अभी ये है, और मोनेटाइज मतलब वो जो सेकंड प्रोसेस है, एडसेन अकाउंट क्रिएट किया है तो उसमें 12 से 24 घंटे के पता नहीं कितना दिन लगेगा, कब मेल आता है तो वो भी मैं शेयर करूँगी। एंड तो कैसा लग रहा है आपको, मेरे को पूछना चाहिए कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऐसा मैं कभी सोची नहीं कि इतनी जल्दी हो जाएगा। वैसे जल्दी हुआ नहीं है, नहीं 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। डेढ़ साल फर्स्ट वीडियो को अपलोड किया था मैंने, डेढ़ साल हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था नवंबर में, और ये जो नवंबर गया 2021 का ना, 2020 से मैंने चैनल चालू किया था, डेढ़ साल हो रहा है, डेढ़ साल करीबन हो रहा है, उसके बाद जाके मोनेटाइज हो रहा है। तो मैंने सुना था कि कई लोगों का 2-3 महीने में हो जाता है, मुझे लगता है कहाँ एलियन रहते हैं क्या इन लोग, स्पेस से आते हैं कि 2-3 महीने में वो वीडियो मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पीछे फैक्टर रहते हैं, फिलहाल उसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी अपने बारे में बात करते हैं। 1.5 साल में फिर ये अभी तक मोनेटाइज हुआ नहीं है, बट मैंने मतलब इनेबल हो चुका है तो मैंने बस सेंड किया है, तो देखते हैं क्या होता है, कब मोनेटाइज होता है। तो मेरी किस्मत में क्या है वो तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन बेस्ट का होप कर सकते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। आपको ऐसा लगा था कि हो जाएगा, ये बोलते तुम 2 साल बनाते रहो, 2 साल तुम भूल जाओ, पता नहीं। और एक क्या यूनिक वाला डायलॉग था आपका, क्या डायलॉग, ये तुम्हारी मेमोरीज है, हाँ इसे ऐसे मेमोरीज करो करो तुम। वैसे इतना अगर मोनेटाइज करने को करोगे तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगी, तो इनकी ये बात यहाँ पे थी। धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम रहता है, झूठ नहीं बोलूँगी ये एकदम सच है कि एक टाइम रहता है कि जब आपका 1K कंप्लीट होने वाला रहता है, उसके से 100 सब्सक्राइबर या 50 सब्सक्राइबर बाकी रहता है, तो मन में ना बहुत सारी ऐसा मतलब चीज़ें रहती हैं कि हो जाए हमारा मोनेटाइज हो जाए। तो हमारा क्या था, मैं घर पे बैठी रहती थी, कुछ ऐसा था नहीं, बाबू भी छोटा है मेरा, और हम लोग का जो ट्रांसफ़र वाला जॉब है इनका, तो इनके पीछे मुझे हमेशा चलना ही रहता है। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना यूट्यूब चालू किया जाए, हो सकता है चैनल अगर अच्छा लगा सबको, कंटेंट अच्छा लगा तो मोनेटाइज भी हो जाएगा। आज सुबह मुझे उठने में भी लेट हो गया है काफ़ी, और जो भी मेरा एक्सरसाइज था वो तो राम भरोसे चला गया है, पता नहीं, क्योंकि बाबू को भी स्कूल रहता है तो मुझे 6:00 बजे 5:45 बजे उठ के पूरा उसको तैयार करना रहता है, और इनका भी टिफ़िन वगैरह करना रहता है। तो जैसे भी मोनेटाइजेशन अगर हमारा हो जाता है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड वन मोर थिंग, मुझे पता है कई लोगों का कहना है कि आपका 1K सब्सक्राइबर हो गया, आपने प्रॉमिस किया था हिप कैरी का, तो हिप कैरी का ऐसा सीन है कि जो मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है स्कूटी की वजह से, तो क्या हुआ था मैं बाद में बताऊँगी, तो ये काफ़ी दर्द है, तो मैं ऐसे करके इनको ज़्यादा जोर धक्का भी नहीं दे सक रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा पेन है। तो ये एक बार ठीक हो जाए फिर हिप कैरी का भी ट्राई करेंगे, बने ना बने दूसरी बात है, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे, है ना, क्योंकि ये बोल भी रहते मेरे को उस दिन कि हिप कैरी करते हैं, बट ये काफ़ी दर्द है। तो बस अभी इतना ही मैसेज देना था, ये अभी चले जाएंगे अपने काम पे। क्या काम पे, जॉब क्या काम पे, जॉब मतलब ऐसा बोलो से काम पे नहीं, एकदम डब्बा लेके वैसा। तो फिलहाल अभी तो यही है, और बाबू का स्कूल की छुट्टी है तो घर पे रहने वाला है, और आज हमारी जो हाउस हेल्प है वो नहीं आने वाली है, तो पूरा काम मुझे करना है। गुड, एक्सरसाइज हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि झाड़ू और पोछा में गजब एक्सरसाइज होने वाला है मेरा। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, और इनको फिर लेट हो रहा है, मुझे भी बनाना है अभी सुबह का ब्रेकफास्ट लंच जो बोलते हो, मैं एक साथ लंच ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार ऐसा करना पड़ता है, बाबू को पढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि उसका भी अभी धीरे धीरे ऊपर क्लास हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप बाय कर दो, बाय। जोर से
मम्मा धीरे हल्का 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 बाबू धीरे बहुत जोर से दुख रहा है धीरे 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 हल्का हल्का एकदम धीरे धीरे नहीं फूटा ना बाबू धीरे ओके गाइस सो मिल रही हूँ आपको मैं डायरेक्ट लंच के बाद और लंच में आज बंगाली फूड था आलू पोस्तो दाल चावल एंड एक और सब्जी थी और अभी ये रिसेंटली मैंने परचेस किया है और मैं यूज़ भी कर रही हूँ बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे बहुत बड़े बड़े एक्ने हुए एक्चुअली इसे पिंपल भी नहीं कह सकते इसे एक्ने कहते हैं काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ऐसे स्पॉट भी आ गए हैं फेस पे तो काफ़ी गंदा सा लग रहा है बट लेकिन ठीक है इसके लिए बहुत रिसर्च करने के बाद हमने ये डर्माको का रेंज लिया है और इस रेंज के अंदर 3 प्रोडक्ट आते हैं एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डर्माको के बट हमने जो लिया है वो ऑफर चल रहा था और डर्माको के साइट से लिया है और उसमें ऑफर था कि बाय 2 गेट 1 फ्री यस तो हमने 2 चीज़ें ली थी मैंने यहाँ पे लिया है डर्माको का फेस वॉश ये डर्माको का फेस वॉश बहुत अच्छा है विथ सैलिसिलिक एसिड ग्लाइकोनिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड डे प्लस नाइट फेस वॉश है तो ये और मैंने लिया था ये सीरम ये है 10% नियासाइनामाइड सीरम ये भी डर्माको का बहुत अच्छा सीरम है गाइस ये मेरा सेकंड बॉटल होने वाला है फर्स्ट बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है तो इससे मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ यूज़ करने में सो मैंने ये 2 प्रोडक्ट लिया था तो उसके साथ मुझे फ्री मिला है ये फ्री एक्चुअली नहीं इसका आई थिंक 50% लगा है प्राइस का तो ये है एक क्ले फेस मास्क इसमें भी 5% नियासाइनामाइड है ये क्ले फेस मास्क है फेस मास्क भी बहुत अच्छा है और जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिए हैं मतलब डर्माको सीरम देन डर्माको फेस वॉश देन डर्माको का ये क्ले मास्क ये सारे प्रोडक्ट एक्ने प्रोन स्किन के लिए हैं तो जिन्हें भी ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है मेरे जैसे मेरे उतनी ज़्यादा है नहीं बट कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है जैसे अभी बहुत ज़्यादा आ गए हैं बीच बीच में आ जाते हैं तो उनके लिए ये वरदान है ऐसा ये क्लेम करते हैं बट ये मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसका कुछ भी रिव्यू आपको नहीं बता सकती ओवरऑल ब्रांड नेम है इनका तो लेट्स सी मेरे स्किन पे मेरे फेस पे क्या इफेक्ट करता है अगर कुछ अच्छा इफेक्ट करता है देन ज़रूर मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी अभी बस मैं आपको इन जनरल बता दे रही हूँ कि ये मैंने लिया है ये 3 प्रोडक्ट और इसका प्राइस है फेस वॉश का प्राइस तो रिजनेबल ही है इतना कुछ है नहीं क्योंकि 100 ml है 349 rupees का बट ये अगेन डिस्काउंट के साथ हमें मिला है आई थिंक 10-20% डिस्काउंट चल रहा था देन ये एक सीरम है और सीरम का प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है 600 का है ये 30 ml तो लेकिन बट सीरम बहुत अच्छा है मैं यूज़ कर रही हूँ तो सीरम बोल सकती हूँ बहुत अच्छा है बाकी ये 2 प्रोडक्ट नए हैं मेरे लिए देन क्ले मास्क का जो प्राइस है 50 grams का प्राइस है 500 rupees गाइज सो ये भी ना थोड़ा मुझे ऐसा महंगा लगा इसे मैं ओपन करके आपको बता रही हूँ और इसे ओपन करने पे बहुत कम प्रोडक्ट की क्वांटिटी रहती है मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब ख़त्म हो जाएगा 15 दिन में तो इस टाइप का ये क्ले मास्क है थोड़ा केमिकल टाइप का है और ये कहते भी है मतलब ये जो डर्माको का ब्रांड है वो तो खुद में ही बोलता है कि वी ट्रीटेड केमिकली सो इसके साथ एक आपको इस टाइप का स्पैचुला टाइप का मिल जाता है जिसे आप एप्लीकेटर बोल सकते हो इसे आप लगा सकते हो फेस पे तो मैं ये हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ इसमें लिखा भी हुआ है वीकली ट्वाइस सो आपको हफ्ते में इसे 2 बार लगाना है और 10 मिनट के लिए बस फेस पे छोड़ देना है और हल्के गुनगुने पानी से इसे वॉश कर लेना है बस यही 3 प्रोडक्ट थे इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी कि मेरे स्किन पे ये प्रोडक्ट कितने ज़्यादा खिल के आए हैं और मेरी स्किन कितनी डाउन हुई है या फिर कितनी अच्छी हो गई है तो वो बाद में मैं रिव्यू शेयर करूँगी सो मुझे यही आपको बताना था एंड वन मोर थिंग गाइज मैंने आपको बताया था कि कल 1:30 करीब मैं बैठ के अपना जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था मैंने अपने चैनल का तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है आपको सभी को पता है तुरंत हो जाता है जो सेकंड स्टेप है एडसेंट अकाउंट बनाने का तो उसमें 12 से 24 घंटे लगते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है मैंने भी पढ़ा है और यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर का वीडियो भी देखा है तो उनका कहना था 12 से 24 घंटे तक लग जाते हैं बट
मैं हो सकता है इस केस में थोड़ी लकी हूँ कि मेरा 8 घंटे में ही एडसन अकाउंट मतलब वेरीफाइड हो चुका है, डन हो चुका है। एंड मैंने करीबन बनाया था 1 बजे के आसपास और मेरा शायद 9 बजे तक वो डन हो चुका है। देन जो थर्ड प्रोसेस रहता है मोनेटाइज का, उसमें वो इन प्रोसेस दिखा रहा है, पता नहीं कब तक होगा। तो फिंगर क्रॉस कब तक होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें विद इन अ मंथ भी लिखा है, तो ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं है। 2-3 डेज में भी हो जाता है, हफ्ते भर भी लगते हैं। तो जैसा जो भी होगा मैं जरूर शेयर करूँगी आपके साथ। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा और एडिटिंग भी करनी है मुझे। और अब भी मैं एडिटिंग करने वाली हूँ। आई थिंक हम घूमने गए थे गिरना डैम का वो वाला ब्लॉग, तो वो वाला ब्लॉग आपको पहले देखने मिल जाएगा, बहुत पहले, इस वीडियो को बहुत पहले देखने मिल जाएगा। तो यही है, और शादी से आए थे तो बहुत धमाल, बहुत मस्ती की है। तो वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो जाइए और देख लीजिए, बहुत मज़ा आया है शादी का, बंगाली शादी का। एक एक रिचुअल में दिखाने की कोशिश की हूँ, कुछ कुछ छूट गया होगा बिकॉज मेरी बहन की शादी थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बिकॉज डोल पर बज रहा है, कोई आ गया है। सो बाय, टेक केयर।